नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं 5 दिन में हम घर पर किस तरह से आसानी से मेथी और धनिया को उगा सकते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी को हल्का करेंगे और रेत लेंगे। रेत हमें 30% लेनी है। देखिए, मिट्टी को रिमूव कर लेंगे, जो भी इसमें जड़ या कोई पत्थर कंकर जो भी है उसको हम निकाल लेंगे। उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे अपनी मिट्टी गार्डन सॉइल को पौधों के लिए। इसको हमने रिमूव कर लिया है, सारी मिट्टी को इस तरह से हम रिमूव कर लेंगे, जिससे ये हल्की हो जाएगी और पानी इसमें रुकेगा नहीं। देखिए, हम इसको इस तरह से खुरपी से अच्छे से निकाल लेंगे, इसकी गुड़ाई कर लेंगे। सारी मिट्टी को गमले से निकाल लेंगे। ये हम धनिया सीड्स उगाने जा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं ये, और हम मेथी सीड्स भी उगाएंगे। अब हम 30% जो हमने रेत लिया है वो इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। 50% हमने गार्डन सॉइल ली है। गार्डन सॉइल आप कोई भी ले सकते हो जो आपके गार्डन की हो, कोई भी मिट्टी हो जिसमें आप पौधे उगाते हैं। और इसमें हमने 30% रेत को मिला लिया है। ये हमारा 20% है कोकोपीट, ये नमी बनाए रखता है पौधों में, उनको सूखने नहीं देता। तो इस तरह से हम उसके अंदर मिला लेंगे रेत, गार्डन सॉइल और कोकोपीट। ये पानी को होल्ड करता है मिट्टी में, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा पानी भी हम नहीं देने की ज़रूरत पड़ती हमें। वैसे भी अभी मौसम चेंज हो रहा है तो पानी थोड़ा हमें देख के ही डालना चाहिए। तो इस तरह से हम तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एकदम भुरभुरा बना लेंगे, हल्का कर लेंगे इसको मिलाते हुए। और जो भी इसमें जड़ है या कोई पत्थर कंकड़ जो भी कुछ है उसको निकाल लेंगे। ये देखिए, कोकोपीट इसमें थोड़ी सी और ऐड कर लेंगे और इसकी नीचे बेस में भी हम कोकोपीट को डालेंगे ताकि ये पानी को अच्छे से होल्ड कर सके और ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता ना पड़े हमें। और अब इस तरह से हम अपने गमलों को फिल कर देंगे। मिट्टी से इस तरह से हम पॉट तैयार करेंगे धनिया और मेथी के लिए। और इसको एक साथ कर लेंगे हल्के हाथों से। और कोकोपीट को थोड़ा थोड़ा बीच में मिलाते रहेंगे, उसकी लेयर बिछाते रहेंगे। और इस तरह से हम धनिया सीड्स को बेलन की मदद से क्रश कर लेंगे। ज़्यादा हमें नहीं तोड़ना है इसको, थोड़ा थोड़ा। और इस तरह से हम हॉल कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा जगह बना लेंगे ताकि अच्छे से बीज उसके अंदर चले जाएं, ऊपर ना रहें बिल्कुल भी, ज़्यादा अंदर भी ना जाएं और ऊपर भी ना। हम धनिया और मेथी के सीड्स ले रहे हैं, दोनों ही इसी तरीके से हम उगा सकते हैं।
ये हम धनिया सीड्स ले रहे हैं क्योंकि बंच उसके एक एक जगह हम डालेंगे होल में तो अच्छे से बंच बनेंगे। और इस तरह से हल्के हाथों से हम इसको थोड़ी थोड़ी मिट्टी को कोकोपीट को इसके ऊपर कवर कर देंगे और पानी इसको अच्छे से एक बार पानी दे देंगे। इस तरह से पानी देने से नमी बनी रहेगी। और ये देखिए और हमारे पौधे बैंगन, तुलसी, हरी मिर्च, अरबी, बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं हमने। और इस तरह से कॉकोपीट से उसके आफ्टर भी हम कवर कर देंगे। ये देखिए हमारी अगले दिन की अपडेट, अंकुरित हो गए हैं ये बीज। सेकंड डे की अपडेट है ये। और ये है थर्ड डे की अपडेट। और ये है फोर्थ डे की अपडेट। ये है हमारी फिफ्थ डे की अपडेट और सिक्स्थ डे, दोनों दिनों की अपडेट है। 1 वीक की अपडेट है ये टोटल। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो रही है। 1 वीक और लगेगा और बिल्कुल पत्तियां बनने लगी हैं धनिया की भी। 15 दिन में आप इसको अच्छे से यूज भी कर पाओगे। यदि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह से आपके आगे लाते रहेंगे। ये देखिए वीडियो वॉचिंग के लिए धन्यवाद।